الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعد। आज एक अहम मसला पर आपसे मुख्तसर सी गुफ्तगू करनी है। माहिरीन फलकियात के मुताबिक 21 जून 2020 को सूरज ग्रहण है। सूरज ग्रहण के हवाले से चंद एक बातें ज़ेहन नशीन फरमा लें। नंबर एक, इस्लाहे अकीदा, अपना नज़रिया, अपना अकीदा, अपनी फ़िक्र को दुरुस्त करें। सूरज ग्रहण अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। इतना बड़ा सूरज अचानक बेनूर हो जाए, अल्लाह की कुदरत की निशानी है। इस इंसान को इबरत हासिल करनी चाहिए, ये फलां वजह से है, फलां हादसा से है, फलां सबब है। यूँ अपनी अकल को मत दौड़ाएं, ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। बहैसियत मुसलमान हमें अपना अकीदा, अपनी फ़िक्र, अपना नज़रिया, अपना रुख ठीक रखना चाहिए। नंबर दो, इस मौके पर इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जो गुनाह किए हैं उसको छोड़ दें, आइंदा गुनाह न करने का फ़ैसला करें। अल्लाह की इस कुदरत को देखकर इंसान को आजिज़ होना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाना चाहिए। नंबर तीन, दुआ मांगें, अल्लाह ताला से हम दुआ मांगें, या अल्लाह अपना करम फरमा, इस सूरज को आपने बेनूर फरमाया, इसको पुरनूर फरमा। या अल्लाह, जिस तरह आप बनाने को बिगाड़ सकते हैं, बिगड़ी को बना सकते हैं, ऐ अल्लाह हमारे भी हवाल की सलाह फरमा। ऐ अल्लाह हमारी ज़ात को भी नूर ईमान से, नूर अमाल से मुनव्वर फरमा। नंबर चार, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें। क़ुरान करीम की तिलावत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुरूद पाक, पैगंबर की ज़ात पे सलातो सलाम, दुरूद पाक, एहतमाम करें, ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें। इस मौके पर लगवियात में जाने की बजाय, फजूलियात में जाने की बजाय, इस मौके पर हमारी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर हो। नंबर पाँच, अज़ाब ख़बर से पनाह मांगें। सूरज बेनूर हुआ, दुनिया का रुख बदल जाता है। ख़बर अंधेरों का घर है, ज़ुल्मत का घर है, तारीकी घर है, सवाए अल्लाह की ज़ात के कोई उसको मुनव्वर नहीं कर सकता। ईमान और आमाल से वो मुनव्वर होगी, अल्लाह के हुक्म से होगी। इस मौके पर अज़ाब ख़बर से पनाह मांगें। नंबर छः, सदका करें, सदकात से बलाएँ ख़त्म होती हैं, खैरात से मसायब टलती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ग़ज़ब ख़त्म होता है, सदका अल्लाह के ग़ज़ब को ख़त्म कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत फरमाते हैं, सखी अल्लाह का महबूब बन जाता है। सदक़े का अहतमाम करें। नंबर सात, सलातुल कुसूफ़, सूरज ग्रहण के मौके पर जो दो नमाज अदा की जाती है, इस नमाज का नाम है सलातुल कुसूफ़, नमाज का एहतमाम करें। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा हम ख्याल करें। नंबर एक, अपना अकीदा दुरुस्त रखें। नंबर दो, इस्तिग़फ़ार करें। नंबर तीन, अल्लाह ताला से दुआएं मांगें। नंबर चार, अल्लाह ताला का ज़िक्र करें। नंबर पाँच, अज़ाब क़बर से पनाह मांगें। नंबर छः, सदक़ात का अहतमाम करें। नंबर सात, सलातुल कुसूफ़ पढ़ें। सलातुल कुसूफ़ के मुतालिक चंद एक मसाइल ज़ेहन नशीन फरमा लें, ताकि हमारी नमाज नमाज बन जाए, शरीयत के मुताबिक हो जाए, इसमें कमी कुताही ना हो। नंबर एक, सलातुल कुसूफ़ का वक़्त सूरज ग्रहण लगने की इब्तिदा से लेकर सूरज ग्रहण के ज़ायल होने तक है, ये सारा वक़्त सलातुल कुसूफ़ का है। हाँ, वो औक़ात जिनमें नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, इन मकरूह औक़ात में न पढ़ें। ये जो मकरूह औक़ात हैं, सूरज निकलने का वक़्त, ज़वाल का वक़्त, ग़ुरूब होने का वक्त, इन औक़ात में दुआ,
इस्तिग़फ़ार ज़िक्र करें, नमाज न पढ़ें। नंबर दो, सलातुल कुसूफ के लिए अज़ान भी नहीं, सलातुल कुसूफ के लिए इकामत भी नहीं। नंबर तीन, सलातुल कुसूफ में जुम्मा और ईदैन की तरह खुतबा भी नहीं। नंबर चार, सलातुल कुसूफ की दो रखते हैं, दो रकात नमाज पढ़ा करें। नंबर पाँच, सलातुल कुसूफ बाजमात अदा करें। अगर बाजमात का एहतमाम ना हो, बाजमात की कोई सूरत ना हो, कोई तरतीब ना बन सकती हो, तो इनफरादी तौर पर पढ़ने की भी गुंजाइश मौजूद है। नंबर छः, सलातुल कुसूफ सिरी नमाज है लेकिन जहरी की भी गुंजाइश है। सलातुल कुसूफ में इमाम सूरतुल फातिहा और किरात आहिस्ता करे, सूरतुल फातिहा भी आहिस्ता पढ़े, सूरतुल फातिहा के अलावा जो और सूरत पढ़ी जाती वो भी आहिस्ता, लेकिन जहरी की गुंजाइश मौजूद है। नंबर सात, सलातुल कुसूफ दो रकात वाली आम नमाजों की तरह है, यानी जिस तरह आम नमाजों में दो रकात में दो रुकू हैं, दो रकात में चार सजदे हैं, दो रकात में एक तशहुद है, इसी तरह ये है। हाँ, अलबत्ता इसमें किरात भी लंबी है, रुकू भी तवील है और सजदे भी ज़रा तवील हैं। तो ये चंद एक मसाइल सलातुल कुसूफ के बारे में ज़ेहन नशीन फरमा लें। सलातुल कुसूफ में एक रकात में कई रुकू, एक से ज़ायद रुकू, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत है। अगर आपके सामने कोई ऐसी रवायत लोग पेश कर दें कि जिस सलातुल कुसूफ में एक रकत में एक से ज़ायद रुकू साबित हैं, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात में से है, तो आम हालात में आम आदमी के लिए सलातुल कुसूफ का वही तरीका है जो आम नमाज का है। तो हम इस मौके पर इन सब चीज़ों का अहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें पूरी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।